न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। साहब ऐसे मकसद किया है कि कई साल से मन्नत मांगी थी हमने कि भगवान राम अयोध्या में स्थापना होगी, विराज जाएंगे। दस ही साल से कई साल से मन्नत मांगी थी और हर दरवाजे नाच नाच कुंज कुंज जाते थे, जोड़ जोड़ कर रखा था कि जब भगवान मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो हम भी नगर भोज करेंगे शहर में। तो कितना आपने पैसा इसमें खर्चा कर? जी 2 लाख करीब। कितने दिन रामायण का भी प्रोग्राम रखा गया? जी 4 दिन रामलीला का प्रोग्राम रखा रहा, 5वां दिन भंडारा करा। 2 लाख खर्च किए हैं, कहाँ से इतना पैसा आपने कमाया? नाच कुंद दरवाजे भी जजमानों के दूर से नाच कुंद के हमने इकट्ठा किया क्यों साल से। अच्छा, तो सब मिले थे, वनवास मिले थे, तो उन्होंने कहा था नर और नारी लौट जाए, तो साहब जब हमें लोग भगवान बाबू जी हमें कहा ना था तो हम लौटे नहीं। हम तो जब वहीं जब वनवास थे उदा बात भगवान लौटे थे, हम आप भगवान को ही मिले थे। आप किन्नर समाज में ही मिला? हाँ, किन्नर समाज में ही मिला था, तो भगवान का बड़ा लगा हुआ, भगवान से हमें लगा हुआ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को इतना बड़ा कार्यक्रम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की लीला के। हम तो चाहते और आगे हो, तो हमारे पास कुछ और ज्यादा हो तो बहुत और आगे बढ़ती है कि सब किन्नर समाज के भगवान की मंदिर की स्थापना से बड़ी खुशी हुई। यहाँ का रामलीला है, क्या इसमें विशेषता है? जी सर, हम लोग, हमारा गांव यहीं इसी महोबा जिला में टेकरिया गांव पड़ता है, उधर का ही मंडल है, और हम सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी में जो हम ये सभी कलाकार हमारे जो दयारानी किन्नर हैं इनके द्वारा हमें बुलाया गया है, और इसी में हम जो है इनके द्वारा इधर इस सांस्कृतिक मंच पर महोबा में आए हैं और हम ये लीला करने के लिए इधर पधारे हैं। किस तरीके की खुशी है, भगवान राम बैठ गए हैं अयोध्या में नए मंदिर में, प्रदेश की क्या है, किस तरीके से लोगों को आप दिखा रहे हैं अपने मंच के माध्यम से? जी सर, हमें जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 500 वर्षों का जो हमारा सत्य सनातन का संघर्ष था ये हमारा पूर्ण हो गया है, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जगह जगह लीला करते हैं और इसी में जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसी में लीला का अवलोकन भी करते हैं। जो हमारे और हमारे जो दयारानी किन्नर हैं ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ही कई कार्यक्रम हम लोगों में कराए गए हैं। पढ़ाई हो रही है, किस तरीके का संदेश दे रहे थे आप? जी, जो प्रदेश क्या बल्कि पूरे अपने भारतवर्ष में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, जैसे गौ रक्षा, गोपालन और शिक्षा पर हमारी सरकार के द्वारा बहुत जोर दिया जा रहा है, विद्यालयों में बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, गौशालाओं में गौ माताओं की सेवा भली प्रकार से की जा रही है, हमारे जो परम आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इनके द्वारा बहुत अच्छा देश का संचालन किया जा रहा है, और हमारे परम आदरणीय CM योगी जी के द्वारा भी बहुत अच्छा संचालन UP का किया जा रहा है।